हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ चुका हूँ फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। आज का वाला वीडियो बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा M7 वीक 3 का मिशन हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें RP पे क्लिक कर देना है। तो हमारे वीक 3 के जो मिशन है इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। और इसमें पहला जो मिशन कंप्लीट करना है, तो गाइस हमें सिंगल मैच में 5 किल करने हैं, वो भी क्लासिक मोड में। क्या तो हम रैंक में कर सकते हैं या हम अनरैंक में? तो गाइस जैसे हम अनरैंक लगाते हैं तो इसमें हमारे सिंगल मैच में 5 किल बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाते हैं। और जैसे हमारे 5 किल हो जाएंगे तो ये वाला मिशन भी हमारा इजी ही कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगले वाले मिशन में हमें मिलिट्री बेस में उतरना है 2 बार, तो हमें इरेंगल मोड लगाना है। और मिलिट्री बेस में हम जैसे ही किसी भी छत के ऊपर 2 बार उतरेंगे तो ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस इससे अगला वाला जो मिशन कंप्लीट करना है, इसमें हमें वीक 3 में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें हमें 100 मिनट खेलना है, वो भी 6 बार, यानी कि 600 मिनट खेलना है वीक 3 में ही। अगर हम वीक 2 में इसे करना चाहेंगे तो ये इसमें कंप्लीट नहीं होगा, तो अगले वाले में ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगला जो मिशन कंप्लीट करना है, इसमें हमें अपने टीममेट को 20 बार रिवाइव करना है, वो भी क्लासिक मोड में। अगर हमारा टीममेट हमें रिवाइव करता है तो वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इस मिशन को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या तो हम नेट का यूज कर सकते हैं, अपने टीममेट को नेट से नॉक करके और हम रिवाइव कर सकते हैं। या हमें कोई भी पहाड़ देख लेना और पहाड़ पे से हम कूदते हैं तो वहां से भी हम नॉक हो जाते हैं, और अपने टीममेट से हम रिवाइव लेके इस मिशन को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे अगला वाला मिशन जो कंप्लीट करना है, गाइस इरंगल मोड लगाना है, और हमें कोई भी शॉटगन मिल जाती है तो शॉटगन से सिर्फ हमें ओनली 4 किल करने हैं। हमारे जैसे ही शॉटगन से 4 किल हो जाएंगे तो ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगला वाला जो मिशन कंप्लीट करना है, हमें एयर ड्रॉप 6 बार ओपन करने हैं, वो भी क्लासिक मोड में। अगर हमारा टीममेट ओपन कर लेता है तो गाइस वो भी इसमें काउंट होगा, यानी कि टीममेट ओपन करे या हम करें तो गाइस सारे के सारे इसमें मिशन में काउंट होने वाले हैं। तो इजी ही कंप्लीट हमारा 6 बार हो जाता है, तो ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगले वाले मिशन में हमें स्पाइडर बेट बॉल 5 टाइम यूज करनी है, तो गाइस ये हमें क्रेट में मिलेंगी, और इसमें हम जैसे यूज करते हैं बंदे के ऊपर तो बंदा उसमें फंस जाता है, तो हमें 5 बार यूज करनी है और ये मिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगले वाले मिशन में गाइस हमें टॉप 10 में आना है, वो भी 7 बार क्लासिक मोड में। तो गाइस ये जो हमारा मिशन कंप्लीट होगा, हमें लीविक मोड लगाना है और हमें टॉप 10 में आना है, वो भी 7 टाइम, यानी कि 7 टाइम। तो ये मिशन हमारा इजी ही कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगले वाले मिशन में गाइस हमें 20,000 मीटर व्हीकल चलानी है क्लासिक मोड में। तो गाइस व्हीकल जो यूज करनी है, इसमें हमें कोई सी भी यूज कर सकते हैं, और 20,000 मीटर हमें व्हीकल चलानी है, तो ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगले वाले मिशन में गाइस हमें एक्सटेंडेड क्यू ड्रॉ उठाने हैं, वो भी 14 मैच में। तो गाइस इस मिशन को हम 5 मैच में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करना है गाइस? इसमें हमें एक्सटेंडेड क्यू ड्रॉ AR का और स्नाइपर का, और हमें SMG का भी उठाना है एक ही मैच में। अगर हम एक ही मैच में तीनों एक्सटेंडेड को उठा लेते हैं तो गाइस तीनों के तीनों इसमें काउंट होने वाले हैं, तो हमारा बहुत ही इजी ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे अगला वाला मिशन जो कंप्लीट करना है गाइस, हमें AKM से एरिना में 100 किल करने हैं, तो हमें लोड आउट में AKM लगा लेनी है, या हम सिंपल एरिना भी खेल सकते हैं। हमारे जैसे ही 100 किल हो जाएंगे तो ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस सबसे लास्ट वाला जो मिशन कंप्लीट करना है, इसमें हमें 12 किल करने हैं सिंगल मैच में, वो भी एरिना में। तो गाइस हम 12 किल तो बहुत ही आसानी से एरिना में कर सकते हैं। तो गाइस जैसे हम 12 किल कर देंगे एरिना में, तो ये वाला भी मिशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस सारे के सारे मिशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अगर आपके वीक 2 के मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। वीक 2 के भी मिशन आप कंप्लीट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।